देसी मुर्गी पालन यूट्यूब चैनल से मैं हूं महसूस कुरैशी। छोटे किसान या फार्मिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिमाग में क्या रहता है कि हम कौन सी दवा देंगे, कब देंगे, कैसी देंगे, तो आप ये वीडियो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि गांव से अगर कोई 2, 5, 10, 50 मुर्गी पाल रहा है तो वो वैक्सीन नहीं करते हैं प्रॉपर और सारी बीमारियों से मुर्गी मर जाती हैं, या फिर अचानक में आनन फानन में तुरंत हम दवाओं का इंतजाम करते हैं तो दवा खरीद नहीं पाते हैं, जो चाहिए वो मिलती नहीं है, कोई बताता नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जीवन में आप किसी से पूछेंगे कि कौन सी दवा बच्चों को कितनी देना है और बड़ी को कितनी देना है, देसी मुर्गी को कितनी देना है, अंडे वाली को कितनी। हमारे फार्म में जब बच्चे आने वाले होते हैं तो हमें सारी तैयारी तो हम कर ही लेते हैं कि बिछावन बिछा लिए, अखबार बिछा लिए, टेम्परेचर बना लिए पहले से, लाइट और पर्दे पैक कर दिए, क्योंकि हमें ब्रूडिंग करना है, 2x3 टेम्परेचर उनको बना के रखना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले से हम ला के रखते हैं कॉर्सोलिन टीएच जो विरबैक कंपनी की है, इसका स्प्रे हमें पूरे ब्रूडिंग हॉल में, पूरे फार्म में, फार्म की दीवारों में, बाहर साइड की दीवारों में, सारी जगह में स्प्रे करना है। कितना करना है, इस पर लिखा हुआ है 50 ml कॉर्सोलिन टीएच इन 5 लीटर वाटर, यानी 5 लीटर पानी में 50 ml, यानी 15 लीटर का हमारे खेत में दवा सींचने वाले पंप में 150 ml ये वाला कॉर्सोलिन टीएच लेना है और पूरे फार्म को हमें डिसइंफेक्टेड कर देना है अंदर बाहर से। अच्छा, डिसइंफेक्टेड हम क्यों कर रहे हैं हमारे फार्म को, पीछे लिखा होता है, आप देखिए, गम बोरो, रानी खेत, जितने भी वायरस हैं कहीं दीवार में छुपे हों, ब्रूडिंग हॉल में, बल्ब में, या हमारे बिछावन में, अखबार में, तो उनको हम पहले ही मार देंगे, उसके बाद हमारे बच्चे फार्म पर लाएंगे। कभी हमें हमारे बच्चों को, चिक्स को, मुर्गी को, और या कोई भी हमारी नस्ल हम संभाल रहे हैं उसको मल्टी विटामिन देना है तो ये मल्टी स्टार है, मिनरल भी लिखा हुआ है, देखिए विटामिन भी लिखा है, लिक्विड फॉर्म में है, आधा किलो यानी 500 ml की है। इसको देना कैसे है और कितने ml देना है ये देख लीजिए आप। तो पीछे तरफ जब आप पलटा के बॉटल को देखेंगे घुमा के, तो कौन कौन से विटामिन हैं, मल्टी विटामिन यानी एक से ज़्यादा विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, एच, सी, सिलेनियम, जिंक सब हैं इसमें। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि इसकी कीमत कितनी है, तो पीछे ही आप पलटा के देखेंगे तो आधा किलो की ये 600 रुपये की आती है, यानी 500 ml की 600 रुपये की है। अब दूसरी चीज़ क्या देखना है कि हमें कितनी देना है, तो चिक्स के लिए 5 ml 100 पर, ग्रोवर के लिए 7 ml, लेयर बड़ी मुर्गियाँ हैं तो 10 ml 100 मुर्गी पर देना है। जैसे दूसरी दवा देते हैं, अब हमके भाई लीवर टॉनिक देना है हमें, तो लीवर टॉनिक सबसे अच्छी कंपनी विरबैक होती है उसका ले लिया, तो ये देखें आप, ब्रोटॉन लिखा हुआ है 500 ml, यानी आधा लीटर की ब्रोटॉन लीवर टॉनिक है, कितनी देना है, 100 मुर्गियों पर 5 ml देना है 2 दिन, उसके नीचे लिखा है ग्रोवर लेयर के लिए 20 ml 2 दिन के लिए। अगर मान लीजिए कि चिक्स को देना है तो हम 10 की जगह 2 ml देंगे। जैसे ये एंड्रोफ्लोक्सासिन और सेप्रोफ्लोक्सासिन ये CRD में अपन चलाते हैं, तो इसमें कितनी देना है काय के लिए है, सामने ही लिखा है CRD, CCRD एंड इकोलाई, इसके लिए है ये, कितनी देना है पीछे पढ़ लीजिए आप, हमें नहीं पढ़ते आता है, किसी से भी पढ़वा लें, 3 से 5 दिन देना है, 10 mg पर kg बॉडी वेट, यानी 1 mg का 1000 माइक्रोग्राम होता है, 1 mg मतलब 1000 माइक्रोग्राम। जब भी आप दवा खरीदें तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है किस कंपनी की है, काय के लिए है, फिर उसके बाद कंपनी चुन लिए हमने तो पीछे चले गए तो एक्सपायरी डेट देख लिए, कौन से कॉन्टेंट्स हैं उसमें, कितनी मात्रा में देना है, चिक्स के लिए कितनी लेना है, क्या हमारा बड़ा फार्म है, हमें बड़ी मात्रा में ले जाना है तो हम 5 लीटर वाली ले लिए, 5 लीटर वाली में हमें छूट भी मिलती है, कम कीमत में भी मिलती हैं, पैसा भी कम लगता है, मोल भाव भी कर सकते हो, तो ये चीज़ें सारी आपको कहाँ देखने मिलेगी कि हमने जैसे कंपनी चुना, नाम मिल गया, पीछे हमें कंटेंट, एक्सपायरी डेट, कितनी मात्रा में है, कितने पैसे की है और देना कितनी है, काय के लिए हम लेके जा रहे हैं। दवा खरीद के ले आते हैं बड़ी मुश्किल से तो नए फार्मरों को, बेचारों को दवा मिलती है, मगर उसके देने का फार्मूला, कितनी मात्रा में कौन सी देना है, ये सबसे ज़्यादा भ्रम वाला काम हो जाता है।
नए फार्मर को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है दवा खरीदने में, और जब खरीद अगर लिया, जैसे ये दवा देख रहे हैं आप टेट्रासाइक्लिन, काय के लिए देते हैं, सर्दी में देते हैं। जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं न्यूडॉक्सफोर्ड है, ये काय के लिए भैया, सामने ही फ्रंट में लिखा रहता है कि ये सीआरडी के लिए सहायक होती है, इस बीमारी को आने नहीं देती, अगर दे देते हो आ जाए तो। 1 ग्राम पाउडर 10 लीटर पानी में 4 से 5 दिन, सब दवाओं में पीछे लिखा रहता है। तो हमने ये देख लिया कि हमारी मुर्गियाँ पानी कितना पीती हैं और कितनी मात्रा में है, तो ये सब सारी दवाओं में लिखा होता है। पीछे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, अगर हमें पढ़ते नहीं आता है तो घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं या हमारा कोई छोटा भाई या बड़ा भाई, उससे पढ़वा लें कि पीछे तरफ कॉन्टेंट्स में क्या क्या लिखा है। गांव से जो किसान होते हैं कभी वैक्सीन नहीं करते हैं, सारी वैक्सीन में लिखा होता है कि 80 रुपये की है, 30 रुपये की है, 78 रुपये की है। रानी खेत की वैक्सीन है 500 चिक्स को होगी, क्या 1000 चिक्स को होगी, तो ये 114 रुपये की है, सब में लिखा होता है। टेम्परेचर भी लिखा रहता है कि इतने टेम्परेचर में रखना है। जैसे सीआरडी की सीआरडी चेक है, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से घटक हैं इस पर। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सीआरडी की बीमारी चल रही, तो पीछे लिखा है आप देखें पर 100 वाट, तो बॉयलर की एक लाइन बन गई, एक लेयर की और टर्की की बन गई, कि बॉयलर वाले में क्या लिखा है 0 से 2 वीक, यानी 0 से 14 दिन के अगर बच्चे हैं तो 4 ml देना है। इसी को अगर टर्की है या लेयर बर्ड है तो 0 से 8 वीक तो 4 ml, फिर 3 से 4 वीक बॉयलर तो 8 ml, और 9 से 20 वीक अगर लेयर बर्ड है या टर्की है तो 8 ml, 35 दिन के 100 बॉयलर पर 16 ml, और बड़ी मुर्गियां हैं हमारी 100 हैं, लेयर बर्ड हैं तो 16 ml। किसी भी दवा का अगर फार्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे जुड़ेंगे, तो कैसे जुड़ेंगे आपको मैं बताता हूँ। मेरा जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे हिंदी में देसी मुर्गी पालन लिखा है, इसके नीचे जो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है गोले के अंदर, यहाँ टच करेंगे तो राइट साइड में घंटी का बटन आएगा, घंटी को ऊपर साइड ऑल में कर लीजिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और राइट साइड में आप देखेंगे गोले के अंदर लाल कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ टच करेंगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं, यहाँ से जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सबसे पहले 1 नंबर पर मैं सारी बीमारियों के जितने भी मेरे वीडियो हैं उसकी प्लेलिस्ट डालूंगा, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस पर मैंने वीडियो ना बनाया हो, सारी बीमारियों का फ्री रेंज की जितनी परेशानियाँ हैं उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है। किस विषय पर वीडियो आप देखना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करके बता दीजिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, फिर कोई नई जानकारी नई समस्या का समाधान लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।